बीएमएस कॉपी बदलने के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जांच एसटीएफ को सौंप दी है। हम आपको बता दें कि 20 अगस्त को बीएमएस की परीक्षाएं शुरू हुई थी और 30 अगस्त को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद जो कॉपियों का लाने और ले जाने का काम जो है विश्वविद्यालय का डेली बेसिस ऑटो चालक जो करता था उसने जो है कॉपी बदलने का जो काम किया था उसको लेकर पुलिस ने उसको तत्काल प्रभाव से जेल भेज दिया। लेकिन उसी मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आज जो है सूबे के मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसटीएफ को जांच सौंप दी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में इस मामले के बाद जो है लगातार खलबली मची हुई है। अब देखने की बात यह है कि अभी कितने चेहरे जो है बेनकाब होने वाले हैं। लाइव एक्सप्रेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा। उसमें यूनिवर्सिटी के तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमे में पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आए हैं उसके आधार पर दो व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। एक ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया है और एक डॉक्टर अतुल नाम के डॉक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी पूरे मामले में कैसे क्या होता है नहीं होता है अभी तक पूरा तथ्य हमारे सामने नहीं आ पाया है। अभी इन लोगों से पूछताछ में जो कुछ भी तथ्य सामने आया है उससे कड़ी जोड़ कर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक जितना पुलिस ने कार्रवाई किया है आपको बता दिया गया और जो जो उनके पूछताछ में तथ्य आया है उसके आधार पर अभी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एविडेंस मिले थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।